ये कोई मामूली सी चीज नहीं है। आप इसे जितना ज्यादा खाओगे, जितनी ज्यादा आप इसे अपने डाइट में लोगे, उतनी ही तेजी से आपका वजन कम होगा। जी हाँ, मैंने खुद ने इन सारी चीजों को खा के और अपनी डाइट फॉलो करके पूरा 5 किलो वजन कम कर चुकी हूँ पूरे 1 महीने के अंदर। आप लोग भी कर सकते हो, तो वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से समझना, उसके बाद इन सारी चीजों को आपको फॉलो करना है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम ठीक होंगे। आप लोगों ने अभी तक यही सुना होगा कि अगर आपको अपना मोटापा कम करना है तो आपको कम खाना होगा। आज मैं आपसे बोलूंगी, अगर आपको अपना मोटापा कम करना है तो आपको इसे खाना होगा और खूब खाना होगा। जितना ज़्यादा आप इसे खाओगे, उतनी ही जल्दी से आपका जो वजन है ये कम हो जाएगा। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है। और ये देखिए, मैंने एक ऐसी मतलब रेसिपी तैयार की है, अगर आप इसे रोजाना अपनी डाइट में लेते हो, मतलब नाइट में जब आप अपना डिनर करने के लिए जाते हो ना, तो आपको रोटियाँ नहीं खानी है, आपको खाना नहीं खाना है, आपको ये खानी है, इसके साथ में आपको खूब सारी सैलेड खानी है, और आपको पीना है गर्म पानी या फिर नॉर्मल पानी आप पी सकते हो, लेकिन आपको फ्रिज का पानी नहीं पीना है। इससे ही आप देखोगे 15 दिन के अंदर आपकी बॉडी के अंदर जादू हो जाएगा, जैसे कि मेरी बॉडी के अंदर हो गया। आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैंने 20 दिन के अंदर पूरा 4 किलो वजन कम किया है। अब मुझे पूरा 1 महीना होने वाला है और मेरा 5 किलो वजन कम हो चुका है। आप लोगों को मेरा चेहरा देख के लग रहा होगा, मेरी बॉडी देखकर भी लग ही रहा होगा। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो तो आपको पता ही होगा, मैं अभी तक आपके साथ 3 रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। 2 मैंने आपको पाउडर बताए थे और 1 मैंने आपको चीला बताया था, जिसे मैं अपनी डाइट में लेती हूँ और इन्हें खा के ही मैंने अपने वजन को कम किया है। तो देखिए, सबसे पहले आपको सुबह डाइट में क्या लेना है, आपको एक चीला बना के लेना है। उसमें ढेर सारी आपको सब्जियां डालनी है। आप चाहो तो उस चीले को बेसन के साथ बना सकते हो, सूजी के साथ बना सकते हो, या फिर मूंग की दाल के आटे के आटे से भी आप उसे बना सकते हो। 3 तरीके से ये चीला बनाया जाता है। इसमें ढेर सारी सब्जियां डाली जाती है जिसे आपको लेना है अपने ब्रेकफास्ट में, और 1-2 चीले आपको एक्स्ट्रा बना के रखिए और इन्हें आप अपने लंच में लेना शुरू करिए। आपको गेहूं नहीं खाना है, मैदा नहीं खाना है, बाहर का जो भी तला भुना होता है इसे आपको अवॉइड करना है। जितना हो सके सिंपल खाना खाना है, जो मैं आपको बता रही हूं आपको वही खाना है, क्योंकि मैंने इसी तरीके से अपना वजन कम किया है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया सुबह का। जब आपने अपना ब्रेकफास्ट किया है या फिर आपने अपना लंच किया है, आप एक टाइम ले लीजिए, या तो ब्रेकफास्ट के बाद या फिर लंच के आधे घंटे के बाद। आपको करना क्या है, आधे घंटे के बाद जो मैंने 2 पाउडर आप सभी के साथ शेयर किए, एक में तो मैंने आपको बताया था अजवाइन, जीरा और सौंफ, तीनों चीज़ों को मिला के एक पाउडर मैंने तैयार किया था, उसे आप खाना खाने के आधे घंटे के बाद गर्म पानी के साथ आप ले सकते हो, ठीक है ना। एक मैंने पाउडर और आप सभी के साथ शेयर किया था, जो मैंने बनाया था अलसी से और मेथी दाने से, और वो वाला जो पाउडर है ना, उसे आप सुबह खाली पेट भी गर्म पानी के साथ ले सकते हो, और उसे आप खाना खाने के आधे घंटे के बाद गर्म पानी के साथ ले सकते हो। इसे आप 2 तरीके से ले सकते हो, वैसे जो भी आपकी बॉडी को सूट करे। जीरा वाला पाउडर आपकी बॉडी को सूट करता है तो आप उसे मतलब उसको लेना शुरू करिए। अगर मेथी दाना और अलसी वाला पाउडर आपके आपकी मतलब हेल्थ के लिए आपकी बॉडी को सूट करता है तो आप वो वाला ले सकते हो, लेकिन दोनों को आपको एक साथ नहीं लेना है, इन दोनों में से कोई एक ही आपको लेना है, ठीक है ना। इतना करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पेट के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी बनती है, जरूरत से ज्यादा गर्मी बनती है, हर समय आपको ऐसा लगता है कि जलन होती है, तो मैं आपको बोलूंगी कि ये दोनों ही पाउडर आपको अभी नहीं लेने चाहिए। जब आपको लगे कि थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया, तब आप मेरे बताए अनुसार आप इन्हें अपनी डाइट में ले सकते हो, ठीक है ना। इतना आपका हो गया। अब देखिए, मैं आज जो मैंने रेसिपी ये तैयार की है ना, इसे आपको लेना होगा डिनर में, यानी कि जब आप शाम का खाना खाते हो ना, तो उस समय पे आपको खाने को छोड़ना होगा। आपको गेहूं बिल्कुल भी अपनी डाइट में नहीं लेना है, मैदा आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, चावल आपको बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, ठीक है ना। इन सारी चीजों से आपको दूरी बना के रखनी है, और जो मैं आपको बता रही हूँ आपको इन्हीं चीजों को खाना है। ऐसा नहीं है कि इन्हें खाने के बाद आपको भूख लगेगी, इन्हें खाने के बाद जब आप इन्हें अच्छे से खा लोगे ना, और सैलेड भी इसके साथ में खा लोगे, तो आप देखोगे आपको भूख ही नहीं लगेगी, और बिल्कुल भी आपको ऐसा एहसास नहीं होगा कि आपने खाना नहीं खाया है। आपकी जो पेट है ना, एकदम भर जाएगा, मतलब आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपने पेट भर के खाना खाया है। 1 से 2 दिन के बाद ये आपकी हैबिट में आ जाएगा, फिर आपको खाना खाने का मन ही नहीं करेगा, इन्हीं चीजों को मतलब खाने का आपका मन करेगा। अब आपको इसे किस तरीके से तो बनाना है, कैसे आपको इसे स्टोर करना है, और इसे खाने का सही तरीका क्या है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मैंने रेसिपी तैयार की है इसे आपको किस तरीके से बनाना है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों जगह आप फॉलो कर लेना, दोनों जगह मेरी आईडी है नेचुरल पूजा, ठीक है ना। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आपको इस रेसिपी को किस तरीके से तैयार करना है।
आज की रेसिपी तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी मखाने की। जी हाँ, आपको मखाना लेना है और मखाने की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। आप 200 ग्राम भी ले सकते हो, 250 ग्राम भी ले सकते हो या फिर 500 ग्राम भी ले सकते हो। तो इसे मैंने अभी पैकेट से निकाला है तो ये सीला हुआ है, तो हम इसे इसी तरीके से नहीं खाएंगे, इसे हम थोड़ा सा क्रिस्पी बनाएंगे, क्रंची बनाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई के अंदर आपको मखाना डालना है, इसके साथ में 1 से 2 चम्मच भर के आप इसमें देसी घी डाल दीजिए और देसी घी के साथ धीमी आंच पे आपको इसे भूनना है। जितना हो सके गैस को धीमा करना है और धीमी आंच पे ही आपको इसे भूनना है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे करके रखोगे तो जो मखाना है ना जल्दी से जल जाएगा, इसमें महक भी हो जाएगी और खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसे भूनने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, बस आप को 1 से 1.5 मिनट में ही ये अच्छे से क्रंची हो जाता है, लेकिन आपको धीमी आंच का ही बस ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं, कंटिन्यू आपको इसे चलाते रहना है, उसके बाद गैस को आपको बंद कर देना है। गैस बंद करने के बाद अब आप इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मखाना है ये काफ़ी ज़्यादा क्रंची हो गया है और हल्का सा गोल्डन कलर भी इसके अंदर आ गया है। ठंडा होने के बाद आप इनको एक प्लेट में निकाल लीजिए, जो जिस तरीके से मतलब मैंने डाला है, प्लेट या थाली के अंदर डाल दीजिए जिससे ये थोड़े से ठंडे हो जाएं। उसके बाद आपको उसी कढ़ाई में या कोई दूसरी कढ़ाई ले सकते हो, इसके अंदर आपको डालना है देसी घी, साथ में थोड़ा सा आपको डालना है लाल मिर्च पाउडर, मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, थोड़ी सी डालनी है हल्दी पाउडर, थोड़ा सा आपको डालना है काला नमक, सफ़ेद नमक आपको नहीं लेना है, काला नमक ही आपको लेना है। थोड़ा सा इसमें आप डाल दीजिए जीरा या फिर आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते हो, दोनों में से कोई एक चीज़ डाल दीजिए। उसे डालने के बाद आप इनको थोड़ा सा चम्मच की सहायता से, करछी की सहायता से इनको मिला लीजिए। इस समय पे गैस को मैंने ऑन किया हुआ है और एकदम धीमा किया हुआ है, धीमी आँच पर ही आपको इन्हें भूनना है, नहीं तो जो मसाले हैं ना वो जल जाएंगे। और ज़रा सा ही टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं, जब आपको लगे कि जीरा अच्छे से इसमें तड़क चुका है और उसका कलर ब्राउन हो चुका है तो उस समय पे आपको गैस को बंद कर देना। मैंने भी गैस को यहाँ पे बंद कर दिया है। गैस बंद करने के बाद अब आपको इसका स्वाद थोड़ा सा और बढ़ाना है तो इसके लिए आप क्या करें, इसमें 1 चम्मच भर के डाल दीजिए चाट मसाला, जिससे क्या है खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। डालने के बाद जो आपने मखाना लिया था जिसे आपने अच्छे से क्रंच करके रखा हुआ था, उसे लेके आप कढ़ाई के अंदर डाल दीजिए और गैस को तो आपको बंद ही कर देना है, गैस आपको ऑन नहीं रखनी है इस समय पे। और डालने के बाद अब आप इसे कंटिन्यू चलाते रहिए, इससे ये होगा कि जो भी आपने मसाला तैयार किया था ना वो अच्छे से मखाने के अंदर कोट हो जाएगा, अच्छे से लग जाएगा। जब आप इन्हें खाओगे ना तो इसका स्वाद दोगुना हो जाएगा, खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। मखाने में डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, इसे खाने से शरीर में मौजूद हमारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, शरीर हमारा स्वस्थ रहता है और इसके अंदर मैग्नीशियम पोटेशियम की वजह से क्या होता है, जब हम मखाने को अपनी डाइट में लेते हैं तो इससे हमारा बीपी भी कंट्रोल में रहता है। जी हाँ, बीपी आपका हमेशा कंट्रोल में रहेगा। और उसके साथ ही मैंने आपको ये भी बताया है कि इसे खाने से आप अपना वेट लॉस किस तरीके से कर सकते हो। जब भी आप मखाना खाओ ना, तो अभी आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से ये मसाला था ना वो अच्छे से मखानों में कोट हो गया है और आपको इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब ये ठंडा हो जाए आपको कोई भी ऐसा खाली कंटेनर लेना है, जिस तरीके से मैंने लिया है, कोई भी डिब्बा ले लीजिए साफ सुथरा, उसमें आप इसे भर के रख दीजिए। अब आपका ये बिल्कुल भी सीलेगा भी नहीं, जब आपका दिल करे तब आप इसे खा सकते हो। तो वेट लॉस करने वाली जो हमारी रेसिपी है बनके तैयार हो गई और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे खाने का सही तरीका क्या है। देखिए, जब आप अपना डिनर करने के लिए जाते हो तो उस समय पे आपको खाना नहीं खाना है। जो मैंने ये मखाना तैयार किया है इसे आपको एक बाउल के अंदर डाल देना है, डालने के बाद ये मखाना खाइए। इसके साथ में आप ढेर सारी सैलेड ले लीजिए, जो भी आपको खाना पसंद है या फिर जो भी आपके घर में अवेलेबल है, जैसे कि खीरे आप ले सकते हो, आप चाहो तो टमाटर भी ले सकते हो, प्याज भी ले सकते हो, और अगर आपके पास में कहीं भी चुकंदर अवेलेबल है तो आप वो भी ले सकते हो। अगर आप गर्मी की वजह से नहीं लेना चाहते तो आप उसे स्किप भी कर सकते हो। मतलब सैलेड आप अपने हिसाब से ले सकते हो, जो भी आपको खाना पसंद है या फिर जो भी आपके घर के आसपास में अवेलेबल है, ठीक है ना। तो इसे पेट भर के आप लोग खा लीजिए। पेट भर के खाने के बाद जब आपको लगे कि इसे खाए हुए आपको आधा या पौना घंटा हो गया है, उसके बाद गर्म पानी के साथ जो मैंने पाउडर तैयार बताए थे आपको अभी मतलब कम से कम 15 से 20 दिन पहले, तो उन सारी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार चेक कर लेना। तो इसके खाने के आधे या पौने घंटे के बाद आप 1 गिलास गर्म पानी के साथ आधा चम्मच वो वाला पाउडर ले सकते हो। लेने के बाद फिर आपको
कुछ भी नहीं खाना है, ना तो आपको दूध पीना है, ना ही आपको और मतलब आपको भूख लगे कुछ खाने की, तो आपको वो भी नहीं खाना है। जितना खाना है एक बार आप पेट भर के खा लीजिए, ये दोनों ही चीजें, ठीक है ना। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपके अंदर थोड़ी सी वीकनेस आने लगी है, थोड़ी सी कमजोरी आपको महसूस होने लगी है क्योंकि आपने एकदम से रोटी खाना बंद कर दिया, चावल खाना बंद कर दिया, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे कि हफ्ते में एक दिन या फिर 2 दिन आप रोटियां ले सकते हो, लेकिन आपको पेट भर की रोटी नहीं लेनी है, सिर्फ आप एक रोटी ले सकते हो, पूरे दिन में एक रोटी ले लीजिए या फिर हल्के से आप चावल ले सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आप ये सारी चीजें बर्दाश्त कर सकते हो और आप मतलब अब बस आपका फोकस इसी चीज पे है कि बस मुझे तो अपना वजन कम करना है, तब आपको रोटी या चावल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, इसी तरीके से आप अपनी डाइट को फॉलो कीजिए और आप यकीन नहीं करोगे, 15 से 20 दिन के अंदर आपको अपनी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि डाइट फॉलो करने से या जो चीजें मैंने आपको बताई है, इन सारी चीजों को अपनी डाइट में लेने से आपकी जो स्किन का ग्लो है चला जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। क्या आपको मेरा चेहरा देख के ऐसा लग रहा है कि मेरी स्किन पे ग्लो नहीं है? आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई हो। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर नहीं आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। बाय।